स्वैग से करते हैं हम सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कुरूप। ये मूवी दुलकर सलमान की है। ये मूवी थ्रिलर सस्पेंस है। ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम एक ऑफिसर दिखाए जाते हैं जिनका नाम कृष्णा था। एक ऑफिसर उसके पास एक ऑर्डर मांगने आता है। कृष्णा कहता है मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तुम्हें ऑर्डर कोई और देगा। कृष्णा जाता है, ऑफिसर एक फाइल देखता है जिसके ऊपर कुरूप लिखा था और ऑफिसर फाइल खोलता है और पढ़ता है। एक पुलिस वाला कहता है सर कृष्णा ने बहुत सारे केस सॉल्व करे हैं, वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, लेकिन उन्हें चार्ली के केस के लिए जाना जाता है जिसका दोषी कुरूप था। ऑफिसर कुरूप के बारे में पढ़ता है फाइल में और सीन फ्लैशबैक में जाता है। हमें गोपी कृष्णन कुरूप के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। गोपी के चाचा गोपी के पापा को गोपी को एयरफोर्स में डालने के लिए कन्विंस करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। और सीन शिफ्ट होता है, बहुत सारे लड़के एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के बाहर लाइन लगा के खड़े थे। गोपी आगे जा रहा था, एक लड़का उसे रोकता है और कहता है तुम आगे कहाँ जा रहे हो, लाइन में लगो। गोपी गुस्से में उसे देखता है और कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम्हें एयरफोर्स के रूल भी नहीं पता क्या कि एक ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। गोपी एयरफोर्स ऑफिसर बनने का नाटक करता है और लड़का डरते हुए सॉरी बोलता है। और गोपी सबसे झूठी ट्रेनिंग करवाता है। एक ऑफिसर ऊपर से गोपी को देखता है और उसे बुलाता है। गोपी जाता है, ऑफिसर कहता है कौन हो तुम। गोपी बताता है और कहता है सर मैं थर्ड अटेम्प्ट के बाद ये क्लियर कर पाया हूँ। ऑफिसर कहता है तुम एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। गोपी कहता है सर मुझे उड़ना है। ऑफिसर एक आदमी को कहता है इसे सिखाओ उड़ते कैसे हैं, और वो आदमी गोपी को ग्राउंड पर ले जाता है और एयरप्लेन की पोजिशन में खड़े होने के लिए कहता है। गोपी होता है सारे लड़के उसे गुस्से में देखते हैं और रात में गोपी उस लड़के का मजाक उड़ाता है और गोपी एयरफोर्स की ट्रेनिंग से परेशान हो जाता है। वह हमेशा ट्रेनिंग में लेट पहुंचता था और उठता था और उसे ग्राउंड के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे पनिशमेंट पूरी करने के चक्कर में, और वो डिनर करने के लिए भी लेट हो जाता है इसलिए उसे और पनिशमेंट मिलती है। सारे लड़कों की बेडशीट गायब हो रही थी। एक दिन पीटर नाम का लड़का जिसे गोपी ने ऑफिसर होने का झूठ बोला था वो बाहर जाता है। गोपी ऊपर से बेडशीट की बनी रस्सी फेंकता है। पीटर हैरान होता है और उससे चढ़ता है और देखता है गोपी छत पे था। और पीटर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम गए। गोपी कहता है रिलैक्स। और गोपी पीटर को कैंप के बाहर ले जाता है और उसे कॉन्सर्ट में ले जाता है जहाँ एक सिंगर कहता है अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस गोपी की डिमांड पे पीटर की होगी। पीटर को सिंगर बनना था, पहले वो डरता है। गोपी उसे भेजता है और पीटर गाता है और कहता है अब मेरे नए दोस्त गोपी की बारी है। और गोपी भी स्टेज पे गाना गाता है और गोपी और पीटर दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम बाद सब ऑफिसर बन जाते हैं। एक ऑफिसर पीटर से कहता है मुझे हैरानी हुई तुम्हारे दोस्त ने ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़ी। गोपी कहता है सर मैं यहाँ सक्सेस होने के लिए आया हूँ। ऑफिसर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और सब डांस करते हैं, गोपी को कोई फर्क नहीं पड़ता और गोपी को मुंबई भेजा जाता है। गोपी मुंबई जाता है, पीटर भी उसके साथ था। पीटर अपने आप से कहता है गोपी सही था, जब तुम हार रहे हो तो हार मानना आसान होता है, मुश्किल काम तो वो होता है जब तुम उस हार को जीत में बदल दो। और पीटर कहता है हम पाकिस्तान और इंडिया के वॉर की वजह से बहुत बिजी हो गए थे, एक दिन पहली बार मैं टेंशन में था। और उसके अगले दिन गोपी की तबीयत खराब होती है और पीटर उसके पास जाता है। गोपी कहता है मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, मैंने अपने पेरेंट्स से मिलने का तय किया है तो मैं उनसे मिले जा रहा हूँ। पीटर कहता है मुझे डर लग रहा है, वापस जरूर आना। गोपी उदास होकर कहता है ठीक है। और उसके अगले दिन पीटर को एक आदमी बताता है तुम्हें पता चला गोपी ने सुसाइड कर लिया अपने घर में। पीटर हैरान होता है। ऑफिसर कहता है तुम्हें ही उसकी वाइफ को यह सच बताना होगा। पीटर उदास होता है और वो गोपी की वाइफ को सुसाइड की न्यूज़ बताता है। गोपी की वाइफ उदास होती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जब गोपी की वाइफ शरद अम्मा पहली बार गोपी से मिली थी। वो गोपी को फ़ोन करती है और कहती है छोटे मालिक। शरद अम्मा की माँ गोपी के घर की मेड थी। गोपी मालिक कहने से मना करता है और पूछता है कौन हो तुम। शरद अम्मा कहती है शरद अम्मा बोल रही हूँ, तुम्हारे मनी अंकल मेरे नर्सिंग स्टडी के पैसे दे रहे हैं, मनी अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। गोपी कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। अगले दिन गोपी अपने मनी अंकल के घर जाता है और उनसे बात करता है। शरद अम्मा घर का काम करती है। गोपी मनी अंकल की वाइफ से कहता है शरद अम्मा कहाँ है। आंटी बताती है वो छत पे कपड़े सुखाने गई है। गोपी जाता है, शरद अम्मा कहती है क्या हुआ, नीचे मेरी किसी को ज़रूरत है, तुम ऊपर क्यों आए हो। गोपी कहता है हाँ किसी को तुम्हारी ज़रूरत है। और गोपी शरद अम्मा के बहुत क्लोज आता है। शरद अम्मा कहती है अच्छा मर्द वो नहीं होता जो वुमेन को फोर्स करे, अच्छा मर्द वही होता है जो वुमेन की इज्जत को प्रोटेक्ट करे। गोपी शरद अम्मा को छोड़ता है और बाद में गोपी कॉफ़ी शॉप पे शरद अम्मा से मिलता है और कहता है
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शरदम्मा मना करती है। गोपी कहता है, मैं शराब भी कोटा वाली पीता हूँ, मैं अच्छा हूँ। शरदम्मा कहती है, मैंने तुम्हारी अच्छाई कल ही देख ली थी। गोपी कहता है, मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हें पसंद करता हूँ, और प्लीज़ ये मत सोचना तुम हमारे मेट की बेटी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और बहुत देर बात करने के बाद गोपी श्रद्धम्मा को मना ही लेता है और दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और एक दिन मनी की वाइफ श्रद्धम्मा पर गुस्सा करती है और कहती है, हम तुझे वापस घर भेज देंगे, तू मुंबई के लायक नहीं है, तूने हमारा लड़का बिगाड़ दिया। गोपी आता है और कहता है, इसने कुछ गलत नहीं किया, मैं इसे पसंद करता हूँ। मनी की वाइफ कहती है, अब ये यहाँ नहीं रह सकती, इसे अपने घर जाना होगा। गोपी श्रद्धम्मा को वहाँ से ले जाता है, वो उसे लेडीज हॉस्टल में रूम दिलवाता है और ऐसे ही वो शादी कर लेते हैं। एक दिन गोपी बहुत टेंशन में था और सीन प्रेजेंट में आता है। श्रद्धम्मा उदास थी गोपी के सुसाइड की न्यूज़ से और वो जा ही रही थी, एक आदमी उसके हाथ में एक नोट देता है जिसपे लिखा था, मुझे सबवे पे मिलो। और श्रद्धम्मा जाती है, गोपी वहीं था। श्रद्धम्मा हैरान होती है और गुस्से में जाने लगती है। गोपी रोकता है और कहता है, क्या हुआ? श्रद्धम्मा कहती है, तुम्हें पता है मुझे क्या जानना है? गोपी कहता है, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता, तुम बस इतना जानो, हम पर्शिया जा रहे हैं, हमेशा के लिए अपना सामान पैक करो। एक पाम रीडर आती है और कहती है, बेटा हाथ दिखाना। गोपी मना करता है। पाम रीडर कहती है, तुम अपनी किस्मत से नहीं बच सकते। गोपी हाथ दिखाता है और पाम रीडर हैरान होती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? गोपी कहता है, कुरूप सुधाकर। गोपी ने अपना नाम बदल लिया था। श्रद्धम्मा हैरान होती है, अब हम गोपी को कुरूप ही बुलाएंगे। और गोपी श्रद्धम्मा के साथ पर्शिया जाता है, जहाँ श्रद्धम्मा हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी। कुरूप क्या काम करता था वो आपको आगे पता चलेगा। और बहुत साल बीत जाते हैं, कुरूप के बच्चे भी होते हैं और कुरूप के बेटे के बर्थडे पार्टी में शेख भी आता है, जिसे कुरूप बॉस कहता है। और एक दिन कुरूप बहुत टेंशन में था, वापस पहले की तरह। श्रद्धम्मा कहती है, क्या हुआ? कुरूप नहीं बताता। श्रद्धम्मा के बहुत फोर्स करने पर कुरूप बताता है, मुझे वापस अपने होम टाउन जाना होगा। श्रद्धम्मा हैरान होती है और कहती है, हमारे दो बच्चे हैं, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? कुरूप कहता है, वो मैं देखता हूँ, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें पता है मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी फैमिली पर खतरा आए, आगे भी नहीं करूँगा। और कुरूप अपने होम टाउन जाता है। कुरूप के दोस्त एयरपोर्ट जाते हैं उसे पिक करने। कुरूप का एक दोस्त भास्कर एक लड़की छेड़ता है। और बाद में जब कुरूप आता है, कुरूप अपने एक आदमी से पूछता है, मेरी कार कहाँ है, टैक्सी क्यों लाए हो? आदमी डरते हुए कहता है, बाद में बताता हूँ। कुरूप कहता है, अभी बताओ। आदमी कहता है, मेरे यहाँ इमरजेंसी पड़ गई थी, एक हफ्ते में देता हूँ। कुरूप कुछ नहीं कहता। भास्कर कहता है, फॉरेन की शराब सूटकेस में है ना? और भास्कर जाता है कुरूप एक अच्छी कार के पास जाता है और उसके मालिक से कहता है, मुझे ये कार चाहिए। कुरूप उसे बहुत पैसे देता है। और बाद में कुरूप के सारे दोस्त उस कार में जाते हैं। कुरूप का एक दोस्त कहता है, तुम भास्कर को वापस पर्शिया क्यों नहीं ले जाते? भास्कर को गुस्सा आता है। कुरूप कहता है, पर्शिया जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब यहीं पर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और कुरूप अपने घर के पास कार रुकवाता है। कुरूप बहुत बड़ा घर बनवा रहा था। कुरूप कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम सबको लाखों पैसे मिल सकते हैं। सब दोस्त हैरान होते हैं। और रात में कुरूप बताता है, मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, मेरे मरने पर 800,000 मिलेंगे। सारे दोस्त हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम पैसे को क्या करोगे? कुरूप कहता है, किसने कहा मैं मरना चाहता हूँ? और जैसे गोपी मरा है और कुरूप आया है, वैसे अब कुरूप को भी मरना होगा। और कुरूप कहता है, मुझे एक डेड बॉडी चाहिए जिसकी हाइट और साइज मेरी तरह हो, और हम चारों 800,000 आपस में बांट लेंगे, बताओ। भास्कर कहता है, ठीक है। और भास्कर और बाकी सब बॉडी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। और एक दिन सब ड्रिंक करते हैं। भास्कर कुरूप को कहता है, ये बहुत मुश्किल काम है, बॉडी ऐसे नहीं मिल सकती। कुरूप कहता है, अपने शेयर के बारे में सोचो, बॉडी मिल जाएगी। भास्कर नशे में था। वो एक वेटर को दारू पीने के लिए कहता है। वेटर मना करता है। भास्कर उसे मारता है और कुरूप उसे धक्का देता है और कहता है, मेरे सामने स्मार्ट मत बनो, तूने जो पर्शिया में किया था उसकी कीमत मैं अभी तक चुका रहा हूँ, अगर तुझे मेरे साथ काम नहीं करना तो मत कर, तू इस प्लान से बाहर हो जा। और कुरूप अपने दोस्तों को भास्कर को ले जाने के लिए कहता है। भास्कर और कुरूप के बाकी दोस्त जाते हैं और भास्कर कहता है, कैसा रहेगा शेयर के 4 नहीं 3 हिस्से हुए तो? कुरूप का एक दोस्त कहता है, मतलब? भास्कर कहता है, हमें दूसरी बॉडी ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हम कुरूप को ही मार के इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। और वो सबको भड़काता है और कहता है, कब तक हम उससे डरते रहेंगे, हमारे पास अच्छा मौका है। और सब सोचते हैं। भास्कर कहता है, इस आइडिया के लिए मुझे 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए। और वो हंसता है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कार दिखाई जाती है और ये केस कृष्णा को ही मिलता है। और वो बॉडी देखता है, बॉडी जली हुई थी, बॉडी के पास कुरूप की आईडी थी।
और वो कार भी कुरुप की ही थी। कृष्णा कुरुप के घर जाता है, एक ऑफिसर बताता है उसके पड़ोसी चिकन खा रहे हैं, और कृष्णा जाता है वहाँ। कृष्णा भास्कर से मिलता है और कहता है तुम कुरुप के रिलेटिव हो? भास्कर कहता है हाँ। कृष्णा कहता है तुम उसकी डेड बॉडी भी देखने नहीं आए? भास्कर कहता है मैं फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था, एक ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। कृष्णा भास्कर को ले जा रहा था। कृष्णा कहता है तुमने नए कपड़े क्यों पहने हैं? भास्कर कहता है मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, नए नहीं है वैसे ये। और कृष्णा उसे एक जगह ले जाता है। भास्कर कहता है ये वॉशरूम हम यूज़ नहीं करते। कृष्णा चेक करता है उसके बगल वाला बाथरूम भी। चेक करने के लिए कृष्णा आगे बढ़ता है। भास्कर कहता है वो बहुत गंदा है। कृष्णा तब भी चेक करता है और कृष्णा पीछे जाता है। वो कटे हुए बाल देखता है कृष्णा भास्कर को। शर्ट ऊपर करने के लिए कहता है, भास्कर मना करता है। कृष्णा अपने ऑफिसर को कहता है, भास्कर के हाथ में जलने का निशान था। कृष्णा भास्कर को पुलिस स्टेशन ले जाता है। भास्कर कहता है मैंने कुछ नहीं किया। कृष्णा कहता है पता है तुम्हें चिकन बहुत पसंद है ना, मैं बिरयानी मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। और कृष्णा मंगवाता है, भास्कर खाता है और भास्कर पानी मांगता है। कृष्णा उसके सामने पानी पीता है। अपने ऑफिसर को कहता है इसे 2 दिन तक पानी मत देना। भास्कर डर जाता है। और 2 दिन बाद भास्कर कृष्णा को बताता है मैंने कुरुप को मारा है। कृष्णा पानी देता है। भास्कर बताता है कुरुप ने मुझे पर्शिया बुलवाया था, मैंने 2 साल उसके साथ काम किया लेकिन उसने मुझे बिना पैसे दिए वापस इंडिया भेज दिया। मैं उस पर बहुत गुस्सा था, मैं मौके की तलाश में था। एक दिन कुरुप परेशानी में फंसा था और इंडिया वापस आया। रात में नशे में थे हम सब, मैंने उसे मार दिया गुस्से में और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। और बाद में कृष्णा अपने एक ऑफिसर से कहता है तुम्हें क्या लगता है इसने मारा होगा उसे? ऑफिसर कहता है ये झूठ बोल रहा है लेकिन इसके पास मोटिव था, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कृष्णा कहता है जिस दिन कुरुप मरा था उस दिन के मिसिंग केसेस देखो। और बाद में कृष्णा एक आदमी के घर जाता जो मिसिंग था। आदमी का नाम चार्ली था। कृष्णा चार्ली के पापा को कहता है आपका बेटा मिसिंग है ना, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए हैं, हम देख रहे हैं दोनों केसेस के बीच कुछ सेम तो नहीं है। और कृष्णा बॉडी की फोटो दिखाता है। चार्ली के पापा कहते हैं ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। कृष्णा एक कपड़े का टुकड़ा दिखाता है और कहता है हमें ये उसके पास से मिला है। चार्ली की वाइफ देख के पहचान लेती है और वो डर के मारे अंदर जाती है। कृष्णा देख लेता है और कहता है क्या हुआ सच बताओ? चार्ली की वाइफ रोते हुए कहती है मैं विधवा हो गई, मेरे बच्चे अनाथ हैं, ये चार्ली का ही था। और कृष्णा को गुस्सा आता है, वो कहता है तुम अपने बच्चे को कहना तुम्हें अपने पापा के कातिल से बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कृष्णा नाम के पुलिस ऑफिसर ने पहले बदला ले लिया है। और कृष्णा जाता है, वो भास्कर को बहुत पिटवाता है, भास्कर सच बताता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। भास्कर कुरुप के दोस्तों को नहीं मना पाता और भास्कर कार में जा ही रहा था। चार्ली नाम का आदमी लिफ्ट मांगता है। भास्कर खुश होता है, वो दारू में बेहोशी की दवा मिलाता है। चार्ली को दारू देता है। चार्ली मना करता है, भास्कर उसे ज़बरदस्ती पिला देता है। चार्ली बेहोश हो जाता है। भास्कर उसका गला दबा के मार देता है और भास्कर उसे कुरुप के पास लाता है। और कुरुप कहता है तुम्हें बॉडी कहाँ मिली? भास्कर कहता है अभी फ्रेश मारा है। और कुरुप कहता है बेवकूफ़, मैंने किसी का मर्डर करने के लिए नहीं कहा था। भास्कर कहता है तुझे चाहिए या नहीं 8 लाख? और ये 8 लाख का सवाल है, कुरुप सोचता है और मानता है। और कुरुप चार्ली की बॉडी भास्कर के बाथरूम में लाता है। वो उसके कपड़े निकालता है, उसके बाल शेव करता है और उसकी बॉडी वही जलाता है। और बाद में कुरुप के सारे दोस्त मिलकर चार्ली की बॉडी को कुरुप की कार में डालते हैं और कार को जला देते हैं। और उसी टाइम भास्कर का हाथ भी जल जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है। कृष्णा कुरुप के बाकी दोस्तों को भी पकड़ता है और मारता है। वो सच बता देते हैं उन्होंने पैसों के लिए ये सब किया था। कृष्णा कहता है कुरुप की वाइफ की सैलरी 80,000 है, तुम्हें क्या लगा कुरुप 2 लाख के लिए काम करेगा? उसका मकसद कुछ और था। कृष्णा के सीनियर कृष्णा को जल्दी कुरुप को जल्दी पकड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि कुरुप का केस बहुत फेमस हो रहा था। कृष्णा कहता सर कुरुप देश छोड़ के जाने वाला है, उसके दोस्त में पता चला है, वो इतनी जल्दबाजी में आया था, उसने फेक पासपोर्ट भी बनवाया था, वो अपने फेक पासपोर्ट बनने का वेट कर रहा है। सीनियर कहता है वो इंश्योरेंस के लिए ऐसा क्यों करेगा? कृष्णा कहता सर मुझे लगता है कुरुप किसी से डर रहा है, वो चाहता है पर्शिया में सबको पता चल जाए कि वो मर गया, मैं जरूर उसे ढूंढ लूंगा। कुरुप एक होटल में छुपा था, एक वेटर उसे पहचान लेता है, कुरुप को शक होता है, वो एक ब्लेड मंगवाता है और वेटर पुलिस को बता देता है और पुलिस वहाँ आती है। कुरुप वहाँ से भाग गया था लेकिन कृष्णा को एक पेपर मिलता है जिस पे एक ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम लिखा था। और इन्वेस्टिगेशन करते करते कृष्णा एक ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है हमें पता चला है कुरुप यहाँ आया था। ओल्ड मैन कहता है तो ढूंढ लो उसे, क्या तुम्हारा इरादा मुझे टॉर्चर करने का है? तुम इस उम्र में मुझे टॉर्चर करोगे, 3rd degree दोगे? कृष्णा कहता है हमारे पास दूसरा तरीका है। और कृष्णा ओल्ड मैन को नशे का इंजेक्शन लगाता है और उससे पूछता है तुमने आखिरी बार कब कुरुप को देखा था? ओल्ड मैन बताता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, कुरुप ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है अब मैं भोपाल जा रहा हूँ,
अब से मैं डिसाइड करूंगा मुझे कौन देखेगा, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस या पॉलिटिशियन। और सीन प्रेजेंट में जाता है, कृष्णा भोपाल जाता है, कुरूप वहां से भी भाग चुका था, लेकिन उसे गोपी के बारे में पता चलता है। कृष्णा जहां भी जाता था कुरूप का पता लगाने, कुरूप हमेशा पहले निकल जाता था। कृष्णा पोस्टर लगवाता है और एक ऑफिसर कहता है, बहुत सारे लेटर्स आए हैं जिसमें लिखा है उन्होंने कुरूप को देखा है। कृष्णा थक गया था, एक लेटर हवा से उड़कर नीचे गिरता है। कृष्णा देखता है और कहता है, ये मिला क्लू, इसमें कुरूप के साथ साथ उसके एक साथी के बारे में भी लिखा है, आइजैक। और कृष्णा आइजैक के पास जाता है, आइजैक एक गुंडा और स्मगलर था। कृष्णा कहता है, कहाँ है कुरूप? आइजैक एक पेपर में लिखता है और कहीं जाता है और हंसते हुए वहां से जाता है। और कृष्णा पेंसिल के जरिए देखता है आइजैक ने क्या लिखा था। उसने एक लाइब्रेरी का एड्रेस लिखा था और उस पर एक बुक का नाम था। कृष्णा जाता है और बुक देखता है, उसमें एक शिप का कार्ड था। कृष्णा को पता चल जाता है इसी शिप के जरिए कुरूप इंडिया से बाहर जा रहा है। और एक आदमी कृष्णा के सामने आता है और ये कौन है आपको आगे पता चलेगा। और सीन शिफ्ट होता है, कृष्णा उस जगह पे पहुंचता है जहां का कार्ड था, शिप जाने वाली थी। कृष्णा रुकवाता है और तलाशी लेता है। उसे एक आदमी मिलता है जो छुपके से जा रहा था, लेकिन उसे बाद में पता चलता है ये कुरूप नहीं है। और शिप चली जाती है, एक ऑफिसर कृष्णा को बताता है एक वैन का ड्राइवर गायब है। और कृष्णा समझ जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है। जो ऑफिसर कुरूप की फाइल पढ़ रहा था वो आगे पढ़ता है और सीन पास्ट में जाता है। जब गोपी कैंप में था, गोपी कुछ बड़ा करना चाहता था। एक रात वो चुपके से बाहर निकलता है, उसे पता चलता है एक आदमी आर्मी कैंप से दारू बेचता है और बाहर के लोग 3 गुना दाम पे खरीदते हैं। और गोपी उस आदमी के पास जाता है और उसे डील करता है। गोपी दारू बेचने का बिजनेस करता है उसके साथ, और जिस आदमी के साथ वो काम करता था वो आर्मी कैंप में ही काम करता था। और एक रात आदमी कहता है, तो दारू बहुत तेजी से बिकवा रहा है। गोपी कहता है, मैं एक चीज़ बेचूंगा, एयरफोर्स के शूज़, और वो बाहर ये भी बेचने लगता है। और जब उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो उसका सीनियर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग मुंबई होती है, जहाँ का ऑफिसर कहता है, तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें जो सरप्राइज़ बताया है वो मैं ही हूँ। और ऑफिसर गोपी को स्टोर असिस्टेंट का काम देता है और वेपन्स की डिटेल फाइल बनाने के लिए कहता है। और गोपी जाता है स्टोर और वो खुश होता है और कहता है, ये है असली खजाना। और गोपी आइजैक से मिलता है और उसे एक पार्टी ढूंढने के लिए कहता है जो हथियार खरीद सके। और आइजैक लियो से मिलवाता है गोपी को और गोपी बहुत सारे हथियार बेच देता है। लियो गोपी से खुश होता है और कहता है, तुम पर्चे क्यों नहीं आते, तुम बहुत टैलेंटेड हो। और अगले दिन गोपी पे सीनियर्स गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुमने अभी तक फाइल नहीं बनाई, तुम्हें पता है इस यूनिफॉर्म में ईमानदारी और इज्जत है, तुम जैसे झूठे और लूजर्स के लिए नहीं है ये यूनिफॉर्म। तब गोपी सोचता है और एयरफोर्स का काम छोड़ने के लिए वो फेक सुसाइड का प्लान बनाता है ताकि किसी को पता न चले कि हथियार उसने बेचे थे। और जो ऑफिसर गोपी के घर आए थे, गोपी सच में मरा या नहीं वो देखने, वो भी गोपी के साथ ही मिले हुए थे। और उसके बाद गोपी कुरूप बनता है, लियो से फेक पासपोर्ट बनवाता है। लियो उसे पर्शिया ले जाता है जहाँ कुरूप एक ऑयल कंपनी में काम करता था, जहाँ वो प्रोग्रेस असिस्टेंट था। उसकी सैलरी 5 लाख रुपये थी और वही ऑयल के प्राइस डिसाइड करता था और बहुत कमीशन लेता था। लियो कुरूप को शेख वालिद से मिलवाता है। कुरूप को वालिद में फ़ायदा दिखता है, वो उसका भरोसा जीतता है। वालिद उसे ब्लैक में ऑयल बेचने के लिए बायर ढूंढने जाता है। उसका किंग वालिद को अलाउ नहीं कर रहा था ये काम करने के लिए, लेकिन वालिद करना चाहता था। वालिद पहले ही कुरूप को वार्निंग देता है, ये काम शैतानी है। कुरूप तब भी एक्सेप्ट करता है। कुरूप वालिद का ऑयल बेचता है और वालिद को पैसे देता है। और एक दिन कुरूप $3 मिलियन की डील लाता है और कहता है, लेकिन इस डील में बहुत रिस्क है। वालिद कहता है, तुमने किसी रॉयल फैमिली के मेंबर को जेल जाते हुए देखा है? कुरूप सोचता है, वो प्लान बनाता है, वो 3 मिलियन की डील कर लेता है, लेकिन इस बार वो वालिद को पैसे नहीं देता। वो इंडिया चले जाता है ताकि वो अपनी फेक डेथ प्लान कर सके, ताकि वालिद को लगे कुरूप मर गया। और इसलिए कुरूप इंडिया आया था, उसका पासपोर्ट भी नहीं बना था, इसलिए उसे पुलिस से छुपना पड़ता है। लेकिन वो डर तब गया था, कृष्णा ने आइजैक को पकड़ लिया था। कुरूप लियो के पास जाता है, लियो उसे नया पासपोर्ट देता है और कहता है, तुम्हारा नया नाम अलेक्जेंडर है। और जिस दिन कृष्णा शिप के पास आया था, कुरूप ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी और वो चुपके से शिप में बैठ के चले जाता है और वो कृष्णा से बच जाता है। लेकिन कृष्णा स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे तुम्हें छोड़ दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है, कुरूप एक नई कंट्री में पहुंचता है, वो खुश था। लेकिन वालिद पीछे से आवाज़ लगाता है और वो भी उसी शिप में था। और सीन फ्लैशबैक में जाता है, कृष्णा को लाइब्रेरी में वालिद ही मिला था और कृष्णा ने वालिद को शिप के बारे में बता दिया था। कृष्णा कहता है, अगर तू जेल जाता तो तू भाग ही जाता, लेकिन अब सही मायने में चार्ली को इंसाफ मिला है, वालिद तुझे नहीं छोड़ेगा। और सीन स्टार्ट के सीन पे आता है
ऑफिसर कुरूप की पूरी फाइल पढ़ लेता है, कृष्णा के पास जाकर उसे स्माइल देता है और उसे कुरूप की फाइल देता है। हमें लास्ट में दिखाया जाता है एक ऑफिसर को, फैक्स में कुरूप की फोटो आती है लेकिन उसका नाम अलेक्जेंडर था। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कुरूप ने वालिद को भी मार दिया था, उसके बाद भी कुरूप ने अलेक्जेंडर बन के बहुत ठगी और क्राइम करे थे। और लास्ट में हमें बताया जाता है ये रियल स्टोरी थी और रियल का गोपी या कुरूप अभी तक पकड़ा नहीं गया है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।